नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, तेजस्वी यादव अब बिहार के डिप्टी सीएम बन चुके हैं। कल की तस्वीरें आपने देखी कि राजभवन में किस प्रकार से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने शपथ लिया। नीतीश कुमार ने आठवीं बार सीएम पद की शपथ ली, तो वहीं तेजस्वी यादव दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम बने। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम बनने के तुरंत बाद ही बिहार के लोगों से बड़ी अपील की है और इसके साथ ही बिहार के लोगों को धन्यवाद कहा है। तेजस्वी यादव का नया ट्वीट दिखाते हैं डिप्टी सीएम बनने के बाद हम आपको, और ये दिखाते हैं कि उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है। सबसे पहले आप देखिए, अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है, धन्यवाद बिहार, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हर बिहारवासी की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। सभी समर्थकों से आग्रह है, जश्न मनाने के बजाय काम पर लग जाएं, गरीब गुरबा को गले लगाएं और ईमानदारी से उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। आइए हम सब मिलकर बिहार को और अधिक बेहतर बनाए। तेजस्वी यादव का यह संदेश बिहार के लोगों के नाम है और इसमें साफ तौर पर वो कहते नजर आ रहे हैं कि ईश्वर से प्रार्थना है कि मैंने आप लोगों से जो वादा किया था सत्ता में नहीं रहते हुए, या चुनाव के दौरान जो वादा किया था कि अगर सत्ता में आऊंगा तो ये सब करूंगा वो सब करूंगा, तो ऐसे भी ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करे ताकि मैं आप लोगों से किए हुए वादे को पूरा कर सकूं। और इसके साथ ही बिहार के लोगों से बड़ी अपील करते हुए ये भी कहा है कि देखिए, आप लोग जश्न मत मनाइए, जश्न मनाने के बजाय गरीबों को गले लगाइए, उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए और आइए हम सभी मिलकर बिहार को बेहतर बिहार बनाते हैं, बिहार को आगे लेकर जाते हैं। तेजस्वी यादव ने जब आपने देखा कि किस प्रकार कल शपथ ग्रहण करने के बाद ही मीडिया से मुखातिब होते हुए बड़ी बात कही और बिहार में युवाओं के रोजगार को लेकर जो उन्होंने 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था उस पर अमल करने की बात कही और ये तक कहा कि एक महीने के अंदर ही इस पर काम शुरू हो जाएगा और वो होगा बिहार में जो किसी भी सरकार में किसी भी राज्य में नहीं हुआ होगा। तेजस्वी यादव ने दावा तो जरूर किया है, लेकिन इंतजार का विषय है कि जब तेजस्वी यादव चूंकि सत्ता में आ चुके हैं तो आने वाले दिनों में क्या करते हैं। युवाओं को काफी उम्मीद है तेजस्वी यादव से, गरीबों को काफी उम्मीद है जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का नारा लगातार लगाते रहे हैं। सभी की उम्मीदों पर तेजस्वी यादव खरा उतर सके इसीलिए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है और बड़ा दावा भी करते हुए तेजस्वी यादव ने कल कहा था कि वो रोजगार जरूर देंगे, रोजगार पर पहल जरूर करेंगे। अब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है बिहार के, राजद के समर्थकों में उत्साह है, जितने भी उनके समर्थक हैं लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले हैं, राजद के प्रेमी हैं। हर जिले की हम बात कर लेते हैं, तमाम लोगों की आपने राय भी देखी, राजधानी पटना से लेकर बिहार के तमाम जिलों के लोगों की हमने आपको ओपिनियन भी बताए। सभी के सभी काफी खुश नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार यानी कि चाचा भतीजे की जो जोड़ी है बिहार में वो जरूर रंग लेकर आएगी और लोगों को उम्मीद भी यही बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।